हमारे एक फिर से एक डेली रूटीन ब्लॉग में। और एक हफ्ते से मैं एकदम ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ, एकदम ज़्यादा। ई श्रमिक कार्ड, मतलब श्रमिक कार्ड बन रहा है तो, और रात को 12 बजे, 12:30 बजे, 11:30 बजे, 11 बजे तक ऐसे ऐसे बैठना हो रहा है काम में सुबह से लगने के बाद। 2400 घंटे में कम से कम 8 घंटे तो भी नींद, 6 घंटे नींद मुश्किल से हो रही है, बाकी काम ही चल रहा है। और तो उसी में मैं बिज़ी हूँ, तो आज भी हो सकता है उसका थोड़ा सा आपको वीडियो दिखाऊँ जो बिज़ी रहूँगा, और थोड़ा सा मेरे को दूर भी जाना है काम है तो। और उस दिन जैसे मैंने बताया था ये टूटा था, उसके बाद वो माइक भी ख़राब हो गया तो मुझे एक नया माइक लेना पड़ेगा। और उस दिन फिर ये और नया ट्राईपॉड है ना, उसका भी एक स्प्रिंग का दिक्कत आ रहा है तो इसको भी बनाना है। तो सभी चीज़ें ख़राब हो जाए मेरे ख़राब हो चुकी है मेरे इक्विपमेंट में, तो उसको बनाने हैं और माइक ही लेना है अभी तो फिलहाल। बाकी तो ट्राईपॉड है, और हो सकेगा तो एक सेल्फी स्टिक मस्त वाली गई है उसको लूँगा, बहुत कम की है और बहुत अच्छे है, तो उसमें ब्लॉग भी अच्छे से शूट करते बनेगा। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं और आगे वीडियो में बने रहते हैं। अभी भयंकर टाइप का बिजी चल रहा हूँ, अभी अभी जस्ट अकाउंट ओपनिंग और फिलहाल अभी जाति निवासी का फॉर्म भर रहा हूँ, फिर उसके बाद मेरे को निकलना है दुर्ग। तो दुर्ग से आने के बाद फिर यहाँ हमारा श्रम कार्ड वाला शिविर है गांव में ही, तो चलो अभी मैं काम करता हूँ। और अभी इसके पहले 4-5 घंटे बहुत बिजी था तो वीडियो नहीं बना पाया, अचानक से ख्याल आया तो मैं बना रहा हूँ। तो चलो ये काम ख़त्म करते हैं फिर निकलते हैं दुर्ग। फिलहाल तो मैं हूँ अभी दुर्ग में और उजाला भवन के पास, इलाहाबाद बैंक के पास, यहाँ एक फॉर्म लेना था। तो अभी हम चलेंगे मार्केट की ओर और कलेक्टर ऑफिस जाना है मुझे, तो चलते हैं फिर आगे बात करेंगे वहीं। मौसम का क्या है ना, जब से पानी थोड़ा सा गिरा है, आज तो 2-3 बार पानी गिर चुका है, मौसम कल से ख़राब है। कल रात को, मतलब रात को 1-1.5 बजे, 2 बजे गिरा था, और फिर अभी सुबह सुबह और गिरा है बहुत, फिर उसके बाद धुंध हो गया था, कोहरा छा गया था। तो मौसम के कारण थोड़ा सा ठंडापन हो रहा है, जैसे मौसम खुलेगा एकदम ठंड हो जाएगा, लोग दिखने बंद हो जाएंगे बाहर रोड में ठंडे के टाइम में। तो अभी मैं हूँ फिलहाल इकरा मार्केट वाले रोड में, उधर ही जा रहा हूँ, मुझे जाना है पटेल चौक कलेक्टर ऑफिस। तो फिलहाल मैं आगे जाकर बात करता हूँ। करीब आधे घंटे के काम के बाद मैं कलेक्टर ऑफिस से बाहर आया, लोक सेवा केंद्र से, और बहुत भीड़ थी और मेरा भी काम भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि 1-1.5 हफ्ते का काम रुका था। तो चलिए चलते हैं मार्केट की ओर, मुझे क्योंकि नींबू लेना है। तो जो तहसील ऑफिस का गेट है ना, वहीं से होकर जो सनीश्री मार्केट वाला रोड जाता है वहाँ पे नींबू अच्छा मिलता है, तो यहाँ तो फिलहाल पीले पीले ही नींबू दिख रहे हैं, मुझे हरे नींबू चाहिए रहते हैं। एक्चुअली नींबू मुझे रोज़ाना काम रहता है क्योंकि रोज़ सुबह नहा धोकर मुझे नींबू पानी पीने का आदत है, 10-12 साल हो चुके हैं। कितना का कितना है? 10 के 5। ज़्यादा नहीं हुआ, मैं 30-40 किलो हूँ। 10 का 5 बोलते हैं भाई, मुझे 6-7 दे दिए तो अच्छा है, क्योंकि 40-50 का लेता हूँ मैं, तो मैंने नींबू ले लिया है। तो नींबू ले लिया है और घड़ी में बज चुके हैं 4:30। 5 बजे तक तो अपने को ननगट्टी पहुँचना है क्योंकि 5 बजे का हमारा शिविर है। तो चलिए जल्दी चलते हैं, और थोड़ा भूख भी लग रहा है, तो देखते हैं कुछ खाने का मिल जाए तो, मतलब कुछ खाने का मन हो जाए तो, देख के जिस चीज़ को। हाँ फिलहाल चलते हैं और थोड़ा सा क्या ना, शनिवार के बाद संडे मार्केट बंद रहता है दुर्ग में, तो सोमवार थोड़ा सा रोड भीड़ रहता है क्योंकि एक दिन के बाद खुलता है, और इस बार तो शुक्रवार पूर्णिमा हो गया था, गुरु पूर्णिमा, शनिवार काफ़ी चीज़ बंदे थी, फिर संडे लगातार कंटिन्यू 3 दिन एक हिसाब से छुट्टी हो गया था। तो अभी फिलहाल मैं निकलता हूँ, तो मैं अंजलि शॉप ये वाला मैं यूज़ करता हूँ, तो ये ख़त्म हो गया था तो लेना था, अब निकलेंगे इसके बाद देखा हूँ क्योंकि टाइम होते जा रहा है, ज़्यादा जाते मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा जेवरा में भी रुकना है। तो चलिए बिल बनवाते हैं और निकलते हैं। यहाँ पे लगा है तिब्बती मार्केट, नेपाली मार्केट,
अच्छे अच्छे स्वेटर तो यहाँ मिलते हैं, आप सबको पता होगा। और एक्चुअल में ना इनका प्राइस एक्चुअल में महंगा रहता है, लेकिन चीज़ भी वैसा ही देते हैं और काम भी वैसा ही करता है। तो हो सकता है एक आध दिन आएंगे, आपको वीडियो भी दिखाएंगे, घुमाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं जानते हो एक हफ्ते से इतना बिजी चल रहा हूँ, ना खाने का ठिकाना, ना सोने का ठिकाना, ना कुछ काम का। तो अभी फ्रीज चल रहे हैं, चलते हैं फिर। था कांटा और एक हफ्ते से बाहर निकलना नहीं हो रहा है, बस गांव में इधर उधर घूमना हो रहा था मतलब काम से। तो कल एक्चुअल में क्या हुआ, संडे के दिन पेट्रोल ख़त्म हो गई बीच में, तो डब्बे में ले गया टंकी से भराकर, फिर उसको डाला था मैं। तो अभी मैंने और फ्यूल डलवाया है, लेकिन वो ऊपर नहीं आया क्योंकि बहुत सारा पेट्रोल यूज़ हो गया था एक हफ्ते में। अभी बाहर जाना, कहीं इधर उधर निकलना नहीं हो रहा, जब निकलना होगा तो थोड़ा ज़्यादा पेट्रोल डलवाएंगे। और फिलहाल अभी चलते हैं, ब्लर हो रहा है बार बार क्योंकि हवा बहुत चल रही है ना, तो ऑटो फोकस के कारण ये ब्लर हो रहा है बार बार। चलो आगे बात करते हैं। अब तो बैंक का काम भी हो गया और भूख से हालत ख़राब हो गई है, मतलब थोड़ी सी भूख ज़्यादा लग रही है, तो मैं सोचा कि यहीं बेकरी में बैठ के हॉट डॉग खा लेता हूँ फिर जाऊँगा। 5 तो बज ही चुके हैं, हो सकता है वहाँ जाते जाते अब मेरे को 5:30 हो जाए, तो हॉट डॉग खाते हैं फिर आगे बात करते हैं और जाएंगे। अब तो सीधा ननकट्टी निकलना है, जल्दी में हूँ मैं। मौसम के कारण ना जो खाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मैं बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन से खाया भी नहीं था हॉट डॉग, आलू पिज़्ज़ा ही खाना होता था यहाँ आता था, तो मैं चलो यही खाते हैं आज। तो घड़ी में बज चुके हैं 5:05 और हम लेट हो चुके हैं और मैं जगरा से निकल गया हूँ, तो बहुत ही जल्दी में हूँ, तो जल्दी से जाएंगे काम चालू करेंगे। अरे यार ये पता नहीं हवा के कारण, ऑटो फोकस के कारण बार बार ब्लर हो जाता है। जल्दी काम ख़त्म करेंगे, मतलब शुरू करेंगे, रात को ख़त्म हो जाए तो फिर 10:30-11:12 बज जाता है। चलते हैं अभी काम ख़त्म मतलब शुरू करेंगे अपना, 5:30 तो बज ही जाएगा। फिलहाल ठंड का एहसास तो अभी से हो रहा है क्योंकि मौसम तो फिलहाल 70% खुल गया था, धूप भी अच्छे से हो गया था, तो हो सकता है रात को एकदम ज़्यादा धूप हो जाए और ठंड भी एकदम ज़्यादा बढ़ जाएगा। और हो सकता है सुबह दिखाई ना देकर, अगर सुबह हो तो ऐसा होता है भाई, तो मैं बता रहा हूँ। और अभी फिलहाल मैं पहुँचा हूँ कहाँ, अर्शनारा पहुँचने वाला हूँ, और ये रोड काफ़ी बिजी लग रहा है। बिजी क्या, 9:10-11 तक रहता है, उसके बाद खाली हो जाता है रात को, क्योंकि इधर अपना आना जाता है, इधर आता है हमेशा डेली, तो मान के चलो रातों रात में। पहले क्या होता था ना, इस रोड में लोग ना 10 के बाद गुजरते नहीं थे, बोलते थे तो बहुत सारे लूट वूट करने वाले लोग मिलते हैं और पूरा रोड खतरनाक भी है, दुर्घटनाग्रस्त है, और कुछ कुछ क्या बोलूँ आम आदमी घटनाएँ, और अब अंधविश्वास बोलो या किसी का विश्वास बोलो जो भी बोल सकते हैं, घटता रहता है, इसमें लोग रात को ज़्यादा नहीं गुजर सकते। अब मेरा तो क्या है, 3 से तो मान के चलो कि बीच में तो बंद हो गया था, फिर अभी अभी फिर से रात को जाना होता है। और इसी रोड में ना 3 पहले था, 3 हो चुके हैं, 2018 दिसंबर की बात है, वही 13-14-15 दिसंबर के आसपास, हाँ एकदम मैं रात को आता था 11:30 तभी कभी, शायद उससे भी ज़्यादा हो चुका था, जनवरी लग गई थी, याद नहीं है मुझे। तो अच्छा था उस टाइम आता था रात को, तो कभी कभी कुछ आवाज़ें सुनाई देती थी, तो एक बाइक वाला और मेरे से क्रॉस कर रहा था, तो ना फिर मुझे ना ऐसे थोड़ा ठंड से काबू वाली या कुछ कुछ चिल्लाते ना, ऐसी आवाज़ें भी लगती, पहले एक बार बात कर चुका था वो। अरे यार कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? नहीं भैया आवाज़ सुनाई तो नहीं दे रही है, मैं ठंड से मैं ही चिल्ला रहा हूँ बोलता, तो बोला तेरी, मैं डर गया था। उसके बाद से उस दिन के बाद से मैं अपने कान में हेडफोन लगाता था रात को आते जाते, या तो दोस्तों से बात चलता था या तो फिर मैं गाना सुनते हुए जाता था, क्योंकि आसपास की आवाज़ सुनाई देगी तो थोड़ा थोड़ा मन में इधर उधर का ख्याल आता है,
इसमें मैं लगाता था, फिर उसके बाद थोड़ी आवाज आई, फिर सिलक था। तो चलिए अभी भी हम घर से 1 किलोमीटर दूर है, रवेलीडी पहुँचने वाले हैं, घर पहुँच के बात करते हैं। करते हैं और मैं अभी आया इस रम के काम से, बज चुके हैं घड़ी में 10 से 10:15। एक्चुअल में 1 घंटे से करीब सर्वर पूरा ब्लॉक हो गया, डाउन हो गया, उसके बाद 1 घंटा देख रहा था नहीं हुआ, तो एंड में मैंने बंद कर दिया और घर पहुंच गया हूं। और दुर्ग से आया था तो मुंह हाथ पर कुछ नहीं धोया था, मैं चला गया था। तो चलो अब मैं खाना खाऊँगा हाथ पर धो के, मुँह धो के। तो चलो वीडियो यहाँ एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान। और मैंने कहा था ना सुबह बहुत धुंध होगा, देखो कुछ दिखाई नहीं दे रहा।